मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर दीवा से एक तस्वीर सामने आई है जहां पानी के टैंकर के नीचे एक बाइक सवार आ गया और उसकी जान चली गई। इस व्यक्ति का नाम गणेश विठल पाले 22 वर्ष बताया जा रहा है। कल रात दीवा अगासन रोड से गणेश बाइक से जा रहा था और रात 8 बजे के आसपास में गड्ढों में बाइक जाने की वजह से गणेश विठल का संतुलन बिगड़ गया और ये दूसरी तरफ से आ रहे पानी के टैंकर के नीचे आ गया। तत्काल इसे कलवा के हॉस्पिटल में स्थानीय लोगों ने पहुंचाया, मगर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। गड्ढों की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं, मगर मनपा इन गड्ढों को भरने में पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। वहीं मनसे के विधायक राजू पाटिल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गड्ढों में और कितने लोगों की बलि लोगे। मुख्यमंत्री और ठाणे मनपा का जिक्र करते हुए ये भी लिखा है कि सिर्फ कागजों पर कामों की घोषणा होगी या जमीनी स्तर पर भी काम होगा। दीवा में हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है। पूरा रोड गड्ढों से भरा पड़ा है, मगर राजनीति के अलावा काम नहीं हो रहा है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। और वहीं कॉन्ट्रैक्टर पर भी गुनाह दाखिल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 22 साल के गणेश विठल पाले की इसी गड्ढों की वजह से जान चली गई।